फटाक फक्त 30 सेकंदात बातमी। तक ऐप डाउनलोड करा, डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा। पार्टी का नाम है शिव शक्ति सेना, हमारा पेपर वर्क वकील सब चालू है। बहुत जल्दी एक बड़ा मेलावा 1,00,000 संख्या का लेके मैं शक्ति प्रदर्शन करूंगी, पर मैं ये मानती हूं कि मुझे कुछ अलग करना है। मैं अकेली एक औरत नहीं हूं कि जो मंत्री की बीबी हूँ और मेरे पे अन्याय हो रहा है। सब पार्टी का मेन ऑफिस हमारा मुंबई में रहेगा। अभी हम लोग संगम ने मुंबई और अहमदनगर में पार्टी का ऑफिस चालू कर रहे हैं। यही उद्देश्य है आज मैं जो पार्टी स्थापन करने जा रही हूँ। तो मैंने अपने जो मैं समाज सेवा कर रही हूँ आज 1 साल से, और मैंने समाज सेवा करते करते देखा कि भ्रष्टाचार करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अति का अंत हो गया है। और अति का अंत करने के लिए जब जब कहते हैं ना धर्म की ग्लानी होती है तो भगवान धरती पे जन्म लेते हैं, पर मैं ये तो नहीं बोलती कि मैं भगवान हूँ, पर मैं ये मानती हूँ कि हम कुछ पहल करें तो कुछ हो सकता है। और मेरी पार्टी का यही उद्देश्य है, भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र मुझे बनाना है। पार्टी का नाम है शिव शक्ति सेना, हमारा पेपर वर्क वकील सब चालू है, और जिनके 3-4 महीने में ये पार्टी की स्थापना हो जाएगी। आज मैंने पार्टी अनाउंस की है, बहुत जल्दी एक बड़ा मेलावा 1,00,000 संख्या का लेके मैं शक्ति प्रदर्शन करूंगी और पूरी पार्टी का एजेंडा वहीं पे बाकी का और बताऊँगी। अभी उनसे तो मेरी बात हुई है इस विषय पर उन्होंने बोला है कि तुम्हें जो अच्छा लगता है करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। तो उनकी भी पार्टी है, उन्होंने आपको आमंत्रण नहीं किया उनके पार्टी में? उन्होंने किया था मुझे आमंत्रण, पर जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा उद्देश्य अलग है। मेरे को कई पार्टियों से निमंत्रण आ रहे हैं, पिछले जब से मैं जेल से छूटी हूँ कई पार्टियों से आ रहे हैं, पर मैं ये मानती हूँ कि मुझे कुछ अलग करना है। तो जो आज मैं करप्शन के खिलाफ लड़ना चाह रही हूँ वो मैं नहीं लड़ पाती। मैं अकेली एक औरत नहीं हूँ कि जो मंत्री की बीबी हूँ और मेरे पे अन्याय हो रहा है। सब पे अन्याय हो रहा है, 100 में से 110% महिलाओं पे ही, जो मंत्रियों की बीबियाँ हैं उन पे अन्याय ही हो रहा है, पर सब चुप बैठी रहती हैं। किसी उसमें मैं भी आज 25 साल से चुपी बैठी थी, आगे ये कहाँ तक जाता है। और मैंने ये सोचा है कि जब मेरे ऊपर इतना अन्याय हो रहा है सब, मैं आप लोगों को मेरी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो मेरे पे कितना अन्याय हुआ है फोटो वीडियो सब मैं मीडिया को देने वाली हूँ। और अभी जैसे कि सबको मालूम है कोर्ट पे मेरी रोक है, तो पति के लिए तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, पर हर मंत्री की बीवी पे अन्याय बहुत होते हैं। जैसा कि अभी आपने वो अपने शिवसेना का फ़ोन आया था ना, जो शिवसेना की पार्टी के वो जो नेता थे उनकी बीवी को भी उन्होंने वैसे ही मेरे जैसे ही सेम केस था उनका। पार्टी का मेन ऑफिस हमारा मुंबई में रहेगा। अभी हम लोग संगम ने मुंबई और अहमदनगर में पार्टी का ऑफिस चालू कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम चालू है हमारा। आज हम लोगों ने पिछले 2-3 दिन से ही लोगों को जोड़ने का काम चालू कर दिया। और जैसा कि मैंने बताया, कई सारे समाज सेवी लोगों ने ही मुझे बोला कि तारती ताई काय तरी वेगड़ा करायची वेड़ आली आहे। तो सब लोगों का सुन के आज मैंने ये निर्णय लिया है।